आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 24,506 हो गई है। अब तक 775 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 18,668 लोगों का उपचार चल रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इंदौर में 24 घंटों के दौरान 56 नए मरीजों के मिलने से कोविड-19 वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,085 तक पहुंच गई है। वहीं 3 कोरोना संक्रमितों की मृत्यु के साथ ही अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर उज्जैन में कल 15 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद यहां मरीजों की संख्या 102 हो गई है। राजधानी भोपाल में भी मरीजों की तादाद बढ़कर 360 हो गई है। जबलपुर में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आज से 3 दिन का पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। ग्वालियर में कल प्राप्त 84 नमूनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में आज से तमाम दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि उन इलाकों को छूट में राहत नहीं मिलेगी जिन क्षेत्रों और शहरों को राज्य सरकार ने हॉटस्पॉट घोषित कर रखा है। केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों और स्टैंड अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दी है जो नगर पालिका और नगर निगमों की सीमा के भीतर आती हों। दुकानों में सिर्फ 50% स्टाफ मास्क के साथ ही काम कर सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 64वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जाएगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। प्रदेश में निजी स्कूल इस साल फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। राज्य शासन ने सभी CBSE और राज्य शिक्षा से संबद्ध संचालित स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं जिसका पालन करने की जवाबदारी जिला कलेक्टर की होगी। राज्य सरकार लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे कामगारों को वापस लाएगी। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों से विस्तृत चर्चा की है। इन मुख्यमंत्रियों ने भी पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। पेश है एक रिपोर्ट। गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा जैसे शहरों में सबसे ज्यादा 35,000 मजदूर हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुंबई, नासिक और पुणे में लगभग 25,000 मजदूर हैं, जबकि राजस्थान में भी मध्य प्रदेश के 15,000 से अधिक मजदूर फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों के परिवारों के सदस्यों को उन्हें वापस लाने के लिए मध्य प्रदेश से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में फंसे अन्य राज्यों के मजदूरों को भी अपने राज्यों में वापस जाने दिया जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भीतर फंसे मजदूर भी वापस अपने गृह जिलों में जा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को इस संबंध में सभी व्यवस्थाओं को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि राज्य के संक्रमित क्षेत्रों और खासकर इंदौर से किसी भी मजदूर को आने और जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कहा जाता है कि निवाड़ी जिले की धार्मिक नगरी ओरछा में कोई भूखा नहीं सोता। कोरोना संक्रमण के इस दौर में भी इस परंपरा का पालन किया जा रहा है। इसी के तहत गायत्री परिवार द्वारा 80 परिवारों को हर 3 दिन में राशन दिया जा रहा है। गायत्री परिवार के ट्रस्टी पुष्पेंद्र सिंह गौर ने बताया है कि ये लोग भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे, लेकिन मंदिर के पट बंद होने से इनके सामने जीवन यापन का संकट पैदा हो गया था। इसी को लेकर अखिल व्यापी परिवार के द्वारा भी ओरछा में गरीब व्यक्तियों को पुष्प का राशन दिया जा रहा है। सेवा भाव से काम किया जा रहा है, प्रेरणा से हमें सरकार के द्वारा दी गई है और हम लोग प्रतिदिन 70-80 परिवारों को सूखा राशन दे रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद की शपथ दिलाई। कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने शुक्रवार शाम जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आगरमालवा जिले से सामान्य लक्षण वाले मरीजों के भेजे गए सैंपलों में कल शाम 42 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। गुना जिले में लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को आज यातायात पुलिस द्वारा चिन्हित किया गया। दोबारा पकड़े जाने पर इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए होशंगाबाद केंद्रीय जेल में कैदियों से होने वाली मुलाकात पर 5 मई तक प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। टीकमगढ़ जिले में अब तक समर्थन मूल्य पर 1,48,000 क्विंटल से अधिक गेहूं की खरीदी हुई है। आज से रमजान शुरू हो गए हैं। प्रदेश के लोग घरों में सादगी के साथ ही इबादत कर रहे हैं। देशव्यापी लॉकडाउन के कारण झाबुआ ब्राह्मण समाज ने परशुराम जयंती पर आज सामूहिक रूप से होने वाले आयोजन निरस्त कर दिए हैं। अशोकनगर में ब्राह्मण समाज दीपक जलाकर परशुराम जयंती मनाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।